तर विजय, एक सुरेख प्रदर्शन, सुंदर सुरुवात झाली आहे या CPL 3 मध्ये, फर्स्ट विक्ट्री पण मिळाली आहे. पहिल्यांदा मी जमीर भाई असतील, उस्मान भाई असतील, आरिफ भाई असतील, या सर्वांचं आभार मानतो की त्यांनी मला इथं बोलवून खेळायला चान्स दिला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या टीमचे सर्वच प्लेयर अतिशय चांगले खेळत आहेत, सगळे एक जुळून खेळत आहेत, 100% देत आहेत. माझं क्रेडिट मी त्यांना देईन, असं नाही की मी एकटा खेळतो म्हणून टीम जिंकते. माझी टीम सगळी सगळे एफर्ट लावत आहेत, सगळ्यांनी थोडं थोडं कन्वर्ट केलं आहे स्वतःला टीममध्ये, त्यामुळं मला हा टीम विजय सोपा झाला आहे. आणि तुझं सुंदर प्रदर्शन जे चालू होतं, म्हणजे भिवंडी पण ते तू प्लेअर ऑफ द सिरीजचा अवॉर्ड जिंकला आहे, कार जिंकली आहे तिकडे, आणि तो फॉर्म पुढे येऊन HGPL मध्ये पण नेणं तुमच्या टीमसाठी अनुकूल ठरणार आहे. नक्कीच फॉर्ममध्ये प्लेअरचं असणं खरंच गरजेचं असतं, पण फॉर्ममध्ये असलेलाच प्लेअर मॅच जिंकून देतो असं नाही. जो प्लेअर ग्राउंडमध्ये आपलं 100% देऊन बॅटिंग असेल, बॉलिंग असेल, फिल्डिंग असेल, यामध्ये एफर्ट लावून जी बॅटिंग बॉलिंग फिल्डिंग करतो, त्यावेळेसच टीम जिंकते, त्यावेळेस त्या प्लेअरचं खरं क्रेडिट काउंट केलं जातं. असं नाही की मी लास्ट टुर्नामेंट कार जिंकली याचा अर्थ इथं पण येऊन मी ती परफॉर्म करून मी तुमच्या टीमला माझा परफॉर्म 100% देण्याचा मी प्रयत्न करणारच आहे. त्यासोबत माझ्यासोबत जे 2 आयकॉन असतील आणि 8 खेळाडू, टीम मॅनेजमेंट, या सर्वांचा भरोसा, विश्वास आणि सगळ्यांचा प्रामाणिकपणानं आपण जर खेळलो तर आपण नक्की जिंकू. आणि लास्ट एडिशन जे झालं होतं ते फातोडा त्या ग्राउंड SAG ग्राउंड मध्ये झालं होतं, इकडे MCC मध्ये काय फरक वाटला तुला लास्ट एडिशनचा आणि ह्या एडिशनचा काय फरक आहे? ॲक्च्युली मॅनेजमेंट खूप सुंदर असतं, आयोजन नियोजन खरंच खूप सुंदर, आणि तिथं म्हणजे कसलाही वाव नाही की इथं उन्हे बोलायला, म्हणजे कमीपणा कसलाच नाही या खेळामध्ये. तर मला वाटतं मी SGPL कमिटीचं सर्व खेळाडूंच्या वतीनं, सर्व प्रेक्षकांच्या वतीनं आभार मानतो की अतिशय सुंदर देखणं आणि सुरेखपणे नियोजन केलं जातं. आणि ही टुर्नामेंट आम्ही ज्यावेळेस कॉल येतो तर आवर्जून खेळायला येतो, कारण आम्हाला माहीत आहे इथं कोणत्याही प्रकारचा अनफेअरपणा नसतो, सगळं काही असेल तर फेअर असतं, अंपायरिंग, क्रिकेट ग्राउंड सगळं अतिशय सुंदर आणि देखणं असतं. तर परत एकदा मी आभार मानतो सगळ्यांचा आणि कमिटीचा देखील आभार मानतो की अशीच टुर्नामेंट सुरू ठेवा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. बेस्ट विशेस तुला आणि तुझ्या टीमला. थँक्यू. हॅलो. थँक्यू. धन्यवाद हरीश सर, धन्यवाद विजय पावले. बघा, एखाद्या स्पर्धेबद्दल बोलताना विजय पावले अगदी खूप महत्त्वाचं बोलून गेला आहे की आयोजन, मोहसिन भाई आपका आयोजन बड़ा है, आपकी मेहनत है, पूरी टीम वर्क है. मैं आपका एक ही नाम ले रहा हूँ ना, मेरी पहचान है, लेकिन पूरी टीम का टीम वर्क है दोस्तों. और एक दिग्गज खिलाड़ी जो पूरे देश में, देश से बाहर भी खेल चुका है, सर विजय पावले, उन्होंने आपको बिल्कुल तारीफ करी है, तो मैं कहूँगा इससे बढ़कर और क्या बात होगी आपके लिए. बहुत बहुत मेहनत है दोस्तों, ऐसे बिल्कुल जुड़े रहिए, आपकी दोस्ती हमेशा इसी तरह से जुड़ती जाए, बढ़ती जाए, और इससे भी बेहतरीन आयोजन हर साल होता जाए. इसी बीच मैदान पर एक बार जुड़ जाते हैं. बहुत अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. बहुत अच्छा मुकाबला रहा जो पहला मैच समाप्त हुआ, अच्छी बल्लेबाजी की. जिमी दरबार ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, दर्शन बांदेकर की बल्लेबाजी रही, लेकिन थोड़ा 10-12 रन पीछे रह गई टीम. और लेग कटर हल्के से टैप किया गेंद को हवा में, थोड़ी सी गेंद लेकिन गली पर फील्डर से दूर, और जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में. ओपनिंग जोड़ी मुन्ना शेख और उन्हीं के साथ इमरान मुल्ला, जो बल्लेबाजी पर डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम. सामने टॉस जीता KKG नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम ने, और पिछले साल की चैंपियन क्रिकेट टीम डायनेमिक रॉयल्स, और मुन्ना शेख जो टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर. ऑन साइड पर मारना चाहते थे लेकिन अच्छी गेंद फिर से एक बार बिल्कुल बल्लेबाज को बीट करती हुई, गेंदबाजी कर रहे कमेंट्री बॉक्स की ओर से सरोज परमांग, सरोज परमाणी. बिल्कुल बड़े दूर से इस मैदान पर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से इस मैदान पर सरोज परमाणी.
तो पहला ओवर पावर प्ले का ओवर स्कोर रुका हुआ, तीन पर एक नाजुक शुरुआत मुन्नसेकर रोनी के साथ इमरान मुल्ला ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। दूसरा मैच आज का डायनेमिक रॉयल्स और केकेजी नाइट राइडर्स इन दो टीमों के बीच में। पहला मैच जीतती हुई अलझरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम, दूसरा मैच मैदान पर शुरू। टॉस जीतकर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम गेंदबाजी करती हुई और डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। पहला ओवर समाप्त हुआ, तीन रन स्कोर, एक पर मुन्ना शेख, इमरान मुल्ला एक पर। और देखना होगा पावर प्ले के पहले ओवर की समाप्ति के बाद और एक पावर प्ले का ओवर होगा जरूर, जो बैटिंग पावर प्ले का दूसरे से पांचवें ओवर तक। लेकिन इसी बीच सामने से फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन होता हुआ, साहिल वांगणकर टीम के कप्तान वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के सामने। डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। दोनों बल्लेबाज एक एक पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए और पावर प्ले में एक शानदार शुरुआत गेंदबाजी में सरोज प्रमाणिक। फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक किया ऑन साइड पर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, अल्टी पल्टी इस बार गैप में बहुत ही सुंदर शॉट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई, चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, पहला चौका निकलता हुआ मैदान पर। डीजे पहला चौका निकलता हुआ इमरान मुल्ला के बल्ले से, पहला चौका डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम की ओर से, खुद के व्यक्तिगत पांच पर, टीम का टोटल स्कोर 6 रन। और इस बार हाफ वॉली पर लेकर गेंद थोड़ी सी हवा में, मिस टाइम शॉट, बहुत अच्छी फील्डिंग कवर पॉइंट पर तेजी के साथ, लेकिन जब तक गेंद को रोकते तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 7 रन पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान, 8 रन पर पहुंचता हुआ बिना किसी नुकसान से। शिवम और शिवम के साथ विराट तेंदुलकर ये स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी, एक पर मुन्ना शेख सामने स्ट्राइक पर और बॉलिंग बार पर साहिल वांगणकर अगली गेंद लेकर 8 रन बिना किसी नुकसान से। एकमात्र चौका जो दूसरे ओवर में पावर प्ले में बहुत अच्छी शुरुआत रही। ऑन साइड पर सफल होकर मारना चाहते थे एक बड़ा शॉट, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए और विकेट के पीछे संकेत गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 8 पर। मैदान पर आउटफील्ड पर आपको बिल्ली, छोटी सी बिल्ली दिखाई दे रही है, हमारे कैमरामैन ने भी बिल्कुल उस बिल्ली को बिल्कुल अपने कैमरे में कैद किया है। इस बार ओवर पिच गेंद खेलना चाहते थे, वो लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली मिड विकेट पर, फील्डर आते तेजी के साथ गेंद को उठाते, एक अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, और तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। एक रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, 2 पर पहुंचे खुद के अपने व्यक्तिगत, मुन्ना से सामने इमरान मुल्ला स्ट्राइक पर और अपने बॉलिंग बार पर साहिल वांगणकर अगली गेंद लेकर दाहिने से ओवर द विकेट सामने से दूर वाले चोर से। ऑफ साइड पर एक शॉट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट गैप में, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। डीजे
लाइव प्रसारण आप देख रहे, बहुत ही शानदार कैमरा वर्क उनका, जो कि ऑपरेटर है वो है सर भूपेश कराली, उन्हीं के साथ अभिजीत के साथ साहिल मोरे, सर्वेश पालो, सन्नी शिंदे, साहिल जादव, साहिल मात्रे, संदीप उन्हीं के साथ हसन, ये पूरी टीम वर्क है 70-70 का जो इस टूर्नामेंट के साथ। पहले दिन की जानकारी अगर आपके लिए फिर से जरूर देंगे, 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूवर्स जो कि जुड़ चुके थे इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग के लिए, और काफ़ी मेहनत पूरी तो है, और उन्हीं के साथ 70-70 आपका भी धन्यवाद देना पड़ेगा। बहुत ही शानदार जो प्रसारण लाइव यूट्यूब पर, कई दर्शक बिल्कुल आपकी तारीफ भी कर रहे, जो हम घर बैठे इस मैच का बिल्कुल आनंद ले रहे, तो आपकी पूरी टीम वर्क है, पूरे टीम का बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद, और उन्हीं के लिए बहुत बहुत आभार शुक्रगुजार हम जरूर रहेंगे हमारे आदरणीय सर तारिक भाई सैयद जिनका। तारिक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से तहे दिल से। गेंदबाजी में परिवर्तन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना किसी नुकसान से एक अच्छी शुरुआत, 2 चौके, 1 छक्का इमरान मुल्ला के बल्ले से, 16 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी कर रहे उनका मुन्ना से साथ दे रहे 2 पर, और गेंदबाजी के लिए आ चुके खुद का 3रा ओवर, टीम का 3रा, अंदर आती हुई गेंद अच्छी शुरुआत, खुद का 2रा, टीम का 3रा ओवर जारी रखते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए सरोज प्रमाणिक, और सामने नासिक का आशिक, 2 रन पर खुद के व्यक्तिगत मुन्ना से, पिछले साल के चैंपियन हीरो बल्लेबाजी करते हुए पीछा के इस बार ऑफ स्टंप से गेंद, ये थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन गेंद बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं, क्या बिल्कुल मुकाबला हो रहा है मैदान पर, एक बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाज सामने, उतना ही अच्छे गेंदबाज, और ये मजा बिल्कुल आता है मैदान पर। अच्छी गेंद इस बार फ्रंट फुट पर हल्के से गेंद को ड्राइव किया इस बार, और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, शुरू में बिल्कुल सिंगल डबल के साथ हमेशा बल्लेबाजी करते हैं मुन्ना शेख, और जब निगाहें जम जाते हैं, जब विकेट का अंदाजा हो जाता है, तो बड़े शॉट खेलने में बिल्कुल माहिर है ये खिलाड़ी। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ 20 लॉस विदाउट लॉस, 20 रन बिना किसी नुकसान से, खेल 3रे ओवर का जारी है। मुकाबला मैदान पर KKG नाइट राइडर्स और उन्हीं के साथ डायनेमिक रॉयल्स, इन दो टीमों के बीच में। ओह इस बार आगे निकलकर इनको ड्राइव किया मिड ऑफ पर फील्डर, लेकिन अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, थोड़ी सी शायद जल्दबाजी जरूर थी, मिड ऑफ पर फील्डर भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद को उस सफाई के साथ गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए, और जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित। 21 रन टोटल आगे बढ़ा स्कोर बोर्ड पर, 21 रन बिना किसी नुकसान से, बेहतरीन शॉट, स्क्वायर कट किया इस बार खूबसूरती के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लाजवाब शॉट, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे स्क्वायर कट इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, हल्के से टैप किया इस बार, थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर थी, गली पर फील्डर बिल्कुल मिस फील्डिंग कर बैठे, और जब ये दृश्य होता है मैदान पर सबसे खासा निराश होता है वो होता है गेंदबाज, बिल्कुल रिएक्शन देखिए चेहरे पर गेंदबाज की, सरोज प्रमाणिक की, और स्कोर आगे बढ़ाई 4 रन के साथ 29 रन पर, खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 3 ओवर का, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान से। एक ओर से लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ गोली मैदान पर, मुन्ना शेख 2 चौके लगाते हुए 11 पर अपने बल्लेबाजी करते हुए, और इमरान मुल्ला उनका साथ देते हुए अब तक 7 गेंदों का सामना करते हुए 17 रनों पर, आधे ओवर यानी 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ।
तीन ओवर के बाद टोटल स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान से। एक बिल्कुल अच्छी शुरुआत मैदान पर दिखाई देते हुए देखना होगा। चर्चा हो रही है गेंदबाजी में बदलाव और विजय पावले ने बिल्कुल एक अच्छी बात जो कि बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने जो कि मैन ऑफ द मैच स्वीकारते हुए जो कि बताई थी, एक के साथ आप मुकाबला बार बार नहीं जीत सकते, आपको टीम वर्क होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही बात थी। अगर मैच जीतना है तो पूरे टीम को लड़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, टीम वर्क होना चाहिए और ये टीम वर्क आप देख रहे हैं बिल्कुल जो कि गावटी क्रिकेट क्लब की उनकी मेहनत, पूरी टीम का ये टीम वर्क और मेहनत बिल्कुल रंग ला रही है मैदान पर। देखना होगा, थोड़ी सी चर्चा हो रही है और गेंदबाजी में परिवर्तन, करण अंबाला दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है, सामने दिखाई देते हुए करण अंबाला, अंबाला मैनपम हरियाणा, अंबाला गांव से बिलोंग कर रहे हैं हरियाणा, और हरियाणा यानी बिल्कुल चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम की ओर से खेल चुके हैं। देखना होगा, तीन ओवर अब तक, सफलता की तलाश जरूर है मैदान पर केके जी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम को, वो हाथों में नहीं। एक मौका पिछले ओवर में लगभग करीबी मामला था, उस गेंद के साथ चौका निकला था, गेंदबाज भी सरोज परमाणिक काफी निराश नाखुश हुए थे उस फील्डिंग के साथ, लेकिन देखना होगा अब परिवर्तन हो चुका है। सामने 17 पर इमरान मुल्ला, 11 रन पर मुन्ना शेख और बॉलिंग में परिवर्तन करण अंबाला, वो आ चुके एक लंबे कद के खिलाड़ी, अच्छे ऑलराउंडर और देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। विकेट के पीछे संकेत मोरजकर, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर एक सुंदर ऑफ ड्राइव लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 पर, 10 रन के साथ रन बना रही है मैदान पर। और अब मुन्ना शेख सामने स्ट्राइक पर सामना करेंगे करण अंबाला की गेंदबाजी का, मुकाबला जारी है। आज का दूसरा मैच डायनेमिक रॉयल्स वर्सेस केकेजी नाइट राइडर्स, इन दो टीमों के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी को मौका दिया है डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम को, पिछले साल की चैंपियन क्रिकेट टीम है। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से दूर इस बार गेंद थी, अतिरिक्त बाउंस जरूर देखने को मिला। इस विकेट पर तेज गेंदबाजों को जरूर कल से देख रहे हैं हम, मदद जरूर मिल रही है तेज गेंदबाजों को, जो अनियमित थोड़ा सा बाउंस है विकेट पर उसकी मदद जरूर हुई है, लेकिन इस विकेट पर अच्छी बल्लेबाजी भी देखी है कल के दिन में, आज भी दर्शन बांदेकर अगर आज चर्चा हो जाए, विजय पावले की शानदार बल्लेबाजी रही, जिमी दरबार वो भी देखने को मिले इस मैदान पर, और इस बार एक बार फिर से करण अंबाला अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद सामने उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद के नीचे आते कैच को पकड़ते हुए, और करण अंबाला बिल्कुल खुशी से इजहार करते हुए मैदान पर। मालूम है ये बड़ा विकेट था, पहले विकेट का पतन होता हुआ 31 रन एक विकेट के नुकसान पर। डीजे थैंक यू डीजे सुरभि, डीजे आपसे बिल्कुल गुजारिश करूंगा, अच्छा डांस हो रहा है तो एक अच्छा सा गीत भी होना चाहिए बीच बीच में जरूर। स्कोर का हुआ वहीं पर, और इस बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, बंटी पटेल मैन फ्रॉम गुजरात।
पार से गाड़ लिया सामने तैयार सामना करते हुए आने वाली गेंद का। अच्छी गेंद इस बार सामने खेला, इस बार बॉलर के पास से जब तक जाते अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते फील्डिंग करते एक सिंगल बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। आते आते पहली गेंद के साथ अपना खाता खोला बंटी पटेल ने, सामने इमरान मुल्ला और स्कोर आगे बढ़ा इस सिंगल के साथ 32 रन एक विकेट के नुकसान पर 32 लॉस ऑफ वन विकेट। खुद का व्यक्तिगत 11 रन, मुन्ना शेख दो चौके लगाए अपने इनिंग में और सामने अब इमरान मुल्ला। छोड़ा जाने दिया तेज गेंद लेकिन लाइन पर भटके, दिशाहीन गेंदबाजी, ऑफ्टम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ से। चौथा ओवर जारी है मैच का और स्कोर बोर्ड पर टोटल 33 रन एक विकेट के नुकसान पर। हाफ वाली पर लेकर एक सुंदर अप ड्राइव लॉन्गा बाउंड्री पर, फील्डर थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर लेकिन अपने आप को तुरंत संभाला, गेंद को फील्ड किया, विकेट कीपर किया पास थ्रो और तब तक मात्र समय मिला दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का। ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ज्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए, दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे। मालूम है ये खेल चौथे ओवर का चल रहा है, आने वाले दो ओवर का खेल बाकी है मैच का। और इसी बीच करण अंबाला एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने लंबे रनअप के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। बहुत अच्छी गेंद क्या देखो, हरकत करती हुई टिप्पा खाने के बाद उछाल मिली, कट होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। बंटी पटेल खेलना चाहते थे, आइन वक्त अपने बल्ले को हटाया गेंद की लाइन से। देखो 70-70 की ओर से जो कि रिप्ले आप जरूर देख सकते हैं, जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके हैं, जिस तरह से लेदर क्रिकेट में गेंद स्विंग होती है उसी तरह से ये गेंद देखने को मिले, बिल्कुल बाहर की तरफ चली गई, कोई बिल्कुल मौका नहीं मिला बंटी पटेल को। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला, ढीले हाथों से कवर पॉइंट पर फील्डर, अनुभवी खिलाड़ी है बंटी पटेल, क्रिकेट का एक लंबा तजुर्बा है उन्हीं के साथ, मालूम है आखिर में शायद हमला कर सकते हैं। आखिरी दो ओवर में खेल इसी के साथ और एक ओवर का समाप्त हुआ, चार ओवर समाप्त हुए और चार ओवर के बाद टोटल स्कोर 35 रन एक विकेट के नुकसान पर 35 लॉस ऑफ वन विकेट। चार ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 9 रन के साथ रन बनते हुए मैदान पर दिखाई देते हुए। लेकर गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ मैदान पर अमीर गडेकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। बैनपम शिरोडा, गोवा शिरोडा, सामने बंटी पटेल और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ। बहुत दूर थी ऑफ स्टंप से यह गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। सामने 19 पर नॉन सेकंड पर इमरान मुल्ला, दो पर बंटी पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर रुका हुआ 36 रन एक विकेट के नुकसान पर और थोड़ा सा इशारा हो रहा है बंटी पटेल का, मेरे ख्याल से सामने जो गाड़ी है आई ना बिल्कुल थोड़ा सा परेशान कर रहा है बल्लेबाज को। फ्लैश सूरज की किरणें सामने थोड़ी सी परेशान कर रही है बल्लेबाज को, जो सामने गाड़ी पार्किंग हुई है
मेरे ख्याल से कार है या टू व्हीलर है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, थोड़ी से आपकी गाड़ी सही जगह पर प्लीज से पार्किंग कीजिए। सेवन वन थ्री फाइव बिल्कुल बोलर गाड़ी है, गाड़ी बोले ना, गाड़ी का नंबर है 4646। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ी गाड़ी आपकी सही जगह पर पार्किंग कीजिए। 4646 कुछ अभी भी इशारा हो रहा है अंपायर का, बल्लेबाज बंटी पटेल का। एकमात्र विकेट मुन्ना से 11 रन बनाकर जिन्होंने दो चौके लगाए, एक और से इमरान मुल्ला बल्लेबाजी कर रहे 19 पर, बंटी पटेल खेल रहे 2 रन पर। और अगर अब तक की मैं बात करूंगा, अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर केकेजी नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के सामने, पिछले साल की चैंपियन क्रिकेट टीम डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम। एक विकेट, बड़ी विकेट चटकाते हुए मैदान पर मुन्ना शेख जो 11 रन बनाकर, वो देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है। अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर आमिर गडेकर जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बैटर है बंटी पटेल। ऑन साइड पर मारना चाहते थे इस बार लेग कटर, लेकिन ठीक से संपर्क नहीं हुआ, टाइमिंग नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर संकेत गेंद को उठाते फील्ड करते और रन की संभावना को समाप्त कर दिया। मैच का चलता हुआ यह पांचवा ओवर, 6 ओवर का मैच है। फिर से बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करती हुई और एक बार गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। वाइड के साथ शुरुआत जरूर रही अमीर गडेकर की, लेकिन बिल्कुल सही अपने लाइन पर एक बार फिर से दिखाई देते हुए अगली गेंद लेकर इस बार आगे रखा। मिनी हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग अप पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद फील्डर होती तो भी सर के ऊपर से लॉन्ग अप सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। स्कोर के खाते में इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन पर, शिवम और उन्हें के साथ विराट तेंदुलकर, ये दो स्कोरर जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ 43 रन, 43 लॉस ऑफ वन विकेट, एक विकेट पर 43 रन। पांचवा ओवर जारी है मैच का और बड़ी देर के बाद स्ट्राइक पर आते हुए इमरान मुल्ला, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेग ब्रेक अच्छी लाइन पर मिडिल स्टंप से कट होकर बिल्कुल एक कोना बनाती हुई, एंगल बनाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। ऑफसाइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है तैनात बाउंड्री लाइन पर, कैचिंग पोजीशन में एक मिड ऑफ पर सर्कल पर एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर पॉइंट। इस बार आगे निकले बड़े शॉट के लिए, बाहरी किनारा पॉइंट पर मौका कैच का और इसी के साथ इमरान मुल्ला दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ मैदान पर। डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम का स्कोर रुका हुआ 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे
थैंक यू डीजे. गेंदबाज में परिवर्तन. त्रैतालीस रन दो विकेट के नुकसान पर 43 लॉस ऑफ टू विकेट. एक बड़ा शॉट बंटी पटेल के बल्ले से नौ पर खुद के व्यक्तिगत और नितेश येमकर गेंदबाजी करने के लिए बैकफुट पर निकले. स्क्वायर कट करना चाहते थे. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कटक और बाहर की तरफ निकली गेंद, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं. विकेट कीपर संकेत मोरज करके हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. अब तक बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी में जरूर कहूंगा, लेकिन पांच गेंदे बाकी है. सामने कोशिश होगी दो बड़े शॉट की, अगर लग गए तो ठीक ठाक होगी मैच में डायनेमिक रॉयल्स क्रिकेट टीम. लेकिन देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है. नो बॉल, ये महंगा सौदा रहेगा नो बॉल का, क्योंकि आने वाली गेंद फ्री हिट की गेंद होती है, तो बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट के लिए मौका रहता है. बॉलर पर थोड़ा सा दबाव होता है जो फ्री हिट की गेंद का. एक रन और मिला स्कोर के खाते में. सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 44 रनों पर दो विकेट के नुकसान पर. फ्री हिट का इशारा हो चुका है. देखना होगा फ्री हिट की गेंद पर क्या होता है. नितेश येमकर अपने बॉलिंग मार्ग पर. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और सामने बैटर है बंटी पटेल जो फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे. खुद के व्यक्तिगत एक बड़े शॉट के साथ नौ रन पर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर. फ्री हिट की गेंद और छोटी गेंद इस बार, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग, उतना अच्छा रूम नहीं मिला शॉट के लिए. मिड विकेट पर पुल करना चाहते थे. आखिर में थोड़ा सा अपना स्टॉक के चेक किया और तब तक एक सिंगल के लिए निकले. लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर. एक रन और मिला स्कोर के खाते में. सिंगल के साथ 45 पर पहुंचा टोटल स्कोर. आने वाले मैच के लिए हम कॉल कर ले कैप्टन को. साई विघ्नेश सनराइजर्स और अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स अगला मैच होगा. साई विघ्नेश सनराइजर्स और अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, इन दो टीमों के बीच में आने वाला मैच होगा. दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें. बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं नए बल्लेबाज साहिल गौस और उनके लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर. अगली गेंद लेकर नितेश येमकर. स्ट्राइक पर साहिल गौस. बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर. गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. शायद थोड़ा सा इशारा कर रहे बंटी पटेल के, एक सिंगल बना जाए मुझे मौका मिल जाए बल्लेबाजी के लिए. और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या होता है. बहुत अच्छी नतीकुली गेंदबाजी हो रही है मैदान पर. आखिरी ओवर्स लॉन्ग ओवर, लेकिन अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं निकला बल्लेबाजी में. थोड़ा सा अपना रन अप पे चूके वापस निकले. बंटी पटेल भी थोड़ा आगे निकले थे, लेकिन एक बार फिर से अगली गेंद लेकर नितेश येमकर. स्कोर रुका हुआ 45 रन तीन विकेट पर. इस बार बड़ा शॉट ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर. एक गगनचुंबी छक्का. छह रन के लिए चली गई गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर. डीजे फुल टॉस ऑफ स्टंप पर रन के लिए निकले. देखना होगा रनआउट का मौका मिलेगा. जी बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर इन पर. साहिल गावस को वापस आना पड़ेगा. बंटी पटेल को स्ट्राइक जरूर मिलेगा. तीसरा धक्का लगता हुआ टीम को और स्कोर आगे
51 लॉस ऑफ 3 विकेट। जो दर्शक यूट्यूब पर 70-70 के ओवर से जुड़ चुके हैं दोस्तों, आपके लिए रिप्ले देखने का मौका जरूर मिलेगा। देखिए किस तरह से बंटी पटेल स्ट्राइक पर निकले और साहिल गवस जब तक नॉन टेकर इन पर आते तब तक नितेश येमकर ने बेल्स को गिरा दिया था। एक सफलता और मिले और इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैच का, 51 रन टोटल 3 विकेट के नुकसान पर। मैदान पर जिग्नेश पटेल और एक मैन फ्रॉम गुजरात जो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्लेबाजी के लिए, लेकिन खासा प्रभावित किया है हमेशा गेंदबाजी के साथ। स्ट्राइक पर बंटी पटेल, लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद पहले इनिंग की। ओ बढ़िया शॉट, स्लॉट में गेंद मिली, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवाई फायर, डीप लॉन्ग ऑन सीमारेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। डंबा दिखाई, टोटल स्कोर 57 और टारगेट 58 का, 58 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। आने वाले मैच के लिए कॉल कर रहे हैं कैप्टन साई विग्नेश सनराइजर्स और अल जर्गम रॉयल चैलेंजर्स, दोनों कैप्टन आइए प्लीज। तो 11 रन बनाए मुन्ना शेख ने, इमरान मुल्ला 19 रन, बंटी पटेल ने 2 लाजवाब छक्के लगाए, 15 रन बनाए साहिल गवस, 6 रन, 16 रन बनाए बंटी पटेल ने और टोटल 57 और टारगेट रखा है 58 का, 58 रनों का। शुरुआत बढ़िया रही थी सरोज परमाणिक की, पावर प्ले का ओवर बेहतरीन रहा था, सिर्फ 2 रन, लेकिन उसके बाद 2 चौके दूसरे ओवर में। गेंदबाजी में करण अंबाला ने एक विकेट चटकाया, अमीर गडेकर ने एक विकेट चटकाया, नितेश येमकर ने एक। तो ये था लेखा जोखा पहले इनिंग का, टोटल 57 टारगेट है 58 का। देखना होगा दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई किस तरह से ये मुकाबला समाप्त होता है। आइए ये जानकारी देने के लिए कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं हरीश काकोडकर के साथ। So requesting Sai Vignesh Sunrisers, Sai Vignesh Sunrisers captain, owners, माचे तुमचे जर्सी घालात, रेडी जायात आणि माचे स्टेडियमाचे जे आमच्या पोडियमाचेर येयात, पोडियमाचेर तुमचा फोटो काढपाक जाय। रिक्वेस्ट करता आयकॉन ओनर हे सगळे जे तुमचे जर्सीत घालात, तुमचे जे हेड्स दिल्ले आसात, जे ब्रँडिंग केल्ले आसात ते सगळे घालात आणि माचे आमच्या माचेर येयात, तुमचो फोटो काढपा जाय अख्ख्या टिमीचो साई विघ्नेश सनरायझर्स। तसेच इमिजिएटली मागीर तुमचो टॉस जातलो अल जर्गम रॉयल चॅलेंजर्स आमच्या कॅप्टना बरोबर। हांव रिक्वेस्ट करता फुल टीम मेंबर्स ऑफ साई विघ्नेश सनरायझर्स तितले बेगीन येयात। डीजे
रिक्वेस्टिंग द कैप्टन ऑफ अल झरगम रॉयल चैलेंजर्स साई विघ्नेश सनराइजर्स अल झरगम रॉयल चैलेंजर्स साई विघ्नेश सनराइजर्स यू आर गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट मैच प्लीज कम फॉर द टॉस एंड ऑल्सो दिस कॉल गोज टू साई विघ्नेश सनराइजर्स एंड द एंटायर टीम टू कम फॉर द फोटो ऑन द स्टेज सिक्स टू थ्री फोर ही गाडी मात्शी काडची जाती ते बेगीन काडची आमकां डिस्टर्बन्स नाकात कारण जशे बॅट्समॅन कंप्लेन करता आमी तुमकां हांगा सांगतात इमिजिएटली काडची कारण एक बरी मॅच हांगा पळोवपाची आमकां संद आसा एक डिसंट टोटल काडिल्लो आसा आनी तेचो डिसंट टोटल चेस करपाक हांगा बॅट्समॅन आयिल्ले आसा ओपनर्स रुपेश गांवकर आनी जगत सरकार Here we go to see the run chase. The second match between Dynamic Royals KKG Knight Riders. The target set is 58 in 6 over. Went for his shot in the square leg region. They have placed two men in the deep mid wicket and backward square leg region. Now he's trying to get the man just more in front of the square. Rupesh Gaonkar was playing for Dynamic Royals in the previous edition. Handy knock from him in the previous edition where they were champions. This time he is playing for KKG Knight Riders. And umpires, please note that players should wear the caps provided of SGPL3. If any other caps, it will not be allowed on the field. Kindly note. Either you wear SGPL cap or you don't wear at all. Thank you. This is in the air. There is a fielder, but he's going to be a spectator. He is the Spartan of Malkarnam. Well, this is Rupesh Gaonkar. He is recently taken Player of the Series award in Kurcharam Premier League, where single-handedly won his team the title. Very fine shot. Oh, very good piece of fielding. Chance of a run out at the striker's end. Good fielding here from Bunty Patel. Quick reflexes. Rupesh was almost halfway down, close to his partner, Jagat Sarkar. Jagat Sarkar knew that it would have been a risky single. Very risky single. You cannot take the reflexes of Bunty Patel. That's the kind of fielding that is required. I think all the youngsters and the players who are playing tennis ball cricket is not only about batting and bowling. Cricket is nowadays about fielding as well. Just a small moment, just the half chances you can convert into a full one. The match can totally change its tide. Trying to play that uppercut shot. Maybe not enough room given away to play that shot. More closer to the body rather than the width outside of stump. Jagat Sarkar, a very, very fine player. Coming from West Bengal and playing here, superstar in form lately. Played the finals of Najib Mulla where they lost on the last ball. Jagat Sarkar gave a fantastic start in the first over, hitting 3 sixes in that finals. This is up and over, inside out. He has timed it well. The ball is racing towards the fence and just inside. Maybe not enough punch behind that shot. And 2 runs taken. So Jignesh conceding 8 runs of the first over. It's 8 without loss. KKG Knight Riders chasing a total of 58 runs.
They got Jignesh Patel, they got Bunty Patel. Let's see who is going to bowl those two overs. Most what I feel it is going to be Jignesh Patel. He is more a bowling all-rounder. Bunty Patel is known more for his batting, although he can bowl that one over pretty decently. He was prolific in the last season. What a knock he has played in that semi-finals. I still remember, or you can say the qualifiers. Fantastic innings where they were on the losing side, and he just came and went berserk at SCG Fatoda. Well, the prediction was 90-10 against the opposite side, for the favor of opposite side, but he just converted it towards his team. That's how valuable he is for this team, Dynamic Royals. He's into bowling. Bunty Patel, big name in tennis ball cricket, with the ball in his hand from the pavilion end of MCC. It's nicely played. This is the style of Jagat Sarkar. He just will not go after the bowling. He knows whenever there is a chance opportunity where the ball is weak, or maybe the weak link in the bowling, it will definitely be exposed. It's not that he cannot play the big shot. He can play big shot at will, at ease, anywhere, on any big ground. That's Jagat Sarkar. But here, the target is not a daunting one. It's somewhere close to around 9.75, 10 runs per over, which is not that hard to get with the way the ball is flying across. These are the new 70-70 ball introduced here, first time in Goa. Going for that short pull shot, but ball bouncing a little bit more. Rupesh, he is a fearless cricketer. He is a fearless customer. I've seen him. He is not worried about who is bowling at the far end, or whether he has a pace, whether he's cutting the ball, it doesn't matter to him. He feels that he has got the strength. God has given him strength and that talent. So he is going to show his talent, just like he has done in the previous editions of HGPL. Went for his shot. Just did not middle it. Straight to the man at deep square leg in one bounce. So far, it's a good start from Bunty Patel. Both the teams are fairly evenly balanced. But in the all-rounder abilities, you feel certainly at the moment, you will see the form. It's not about who is better or who is not in tennis ball cricket. It's just about how the form is. Went down the leg side. Was it so close? Looks to be close to the leg stump. Look at the reaction from Bunty Patel. He can't believe that the bails are not off the grooves. He went for the sweep shot. Jagat Sarkar thinking there is a big gap across the fine leg region. If he can pierce or get past that short fine leg region fielder, it's going to be a certain boundary. But I think he shuffled across too much. 10 at the moment. In the second over, but all the wickets are intact. This is Jagat Sarkar for you. If you want to play, play it hard and get the distance. Wonderful swing and a wonderful result. 6 runs all the way. Here, watching the cricket match, Shakil Ahmed, a fantastic talent, and welcome Shakil bhai to watch the match. That's a lovely shot. Look at the way he waited for that ball. Fine shot. That's quality batting here from the quality player Jagat Sarkar. Bunty Patel can hardly do anything. Not a bad ball, but this is a very talented shot from Jagat Sarkar. 2 overs gone, is 20 without loss.
सनराइजर्स. सेकंड कॉल टू कैप्टन, प्लीज कम फॉर द टॉस. बोथ द कैप्टन्स प्लीज कम फॉर द टॉस. Yes, nicely played. It should be a boundary. The fielder comes. No, that is stopped. I thought he has found a gap in the deep. The fielding is pretty decent. The previous shot, I saw the replay as well. It looked even better than the live what I commented from Jagat Sarkar. Most of the bowlers feel that the strength of the batters are on the leg side. So they try to bowl it slightly wider outside the off stump. And that's the reason if you have good shots on the offside, it becomes difficult for the bowler to bowl to a particular batter who is talented on both sides of the wicket, just like Jagat Sarkar is. It's very difficult to handle a man of such talent. This is nicely bowled, very nicely played by Jignesh. He knows that the target is not much. It doesn't have too much of pressure or the burden on his shoulders. So he can play a waiting game and wait for his opportunities. Went hard at it and missed it this time. It was slightly wide, very nicely bowled here by Jignesh. The problem at the moment for Dynamic Royals is they have not picked up a wicket. We are into the third over. Both the openers are firmly rooted, playing very well. Although Rupesh have tried hard, he just got the 1-6, one boundary and six for Jagat Sarkar so far. Yes, in the air. He has not timed it. He just scooped it in the air. And Bunty Patel is not going to drop that. Jignesh strikes. I was just mentioning about the wicket. And the wicket has come off for Dynamic Royals at the right time. They have broken the partnership and 21 for 1. One.
So here comes the icon player and the star bowler of Goa. Well, in the Goa Premier League, held 2 years back at Allem Ground, he had picked up 7 or 8 wickets. It's just 2 overs you are getting as a bowler. A great leg spinner. And this is going to be a pressure over for him. He is against Saroj Pramanik. He knows how to handle the leg spin. He has got variety deliveries. Gopal Gaon's a talent from Goa. That strike, that strike. Clean strike. And that's 6 runs. That is Saroj Pramanik. That we know the consistency and the striking, few dot balls in his innings as well. This is in the air, this is in the air. Has it gone for 6 runs? Yes, it has. He has powered it away, muscled it away for 6 runs. Saroj Pramanik, second six of. And piece of bowling, chance of a run out, direct hit was required. He tried hard, but in vain. This is a really good cricket all around. Gopal Gaon's knew what Saroj Pramanik was trying. He was shuffling across, bowled it fuller on his legs. It was slow in the air as well. Deceived the batter, all ends up just getting a leading edge and tried a run out at the non-striker's end. That's the kind of cricket that we want to see, we want to witness in HGPL. Meanwhile, we request Mateen Khan to please come here. Oh, once again, trying to come down the ground. Lucky to get an outside edge, otherwise I could have been stumped there. Rupesh struggling at the moment, but the team is not struggling. It's 4 overs gone, 37 for the loss of one. 21 runs required in 12 balls. Still the match is interesting, 21 in 12, one good over here, one good over can make it difficult for KKR. KKR certainly a lot of supporters for them here, just like 6 Star 6 Super Kings. And also there are viewers joining us
we had almost got 3 lakh viewership, close to 3 lakh viewership in the first day. Now I think more viewers are going to join because the players like Jagat Sarkar, Saroj Pramanik, Karan Ambala, Munna Sheikh, Bunty Patel, Jignesh Patel has got so much of fan following across India, not only from the regions they are hailing, but across the region. They have been followed by people from different states, and the batting power play has been taken. Vinod Wilson, what a great service he has given to Goan cricket, not only tennis ball cricket, but he is a fine player for Goa Police for years. Well, when I still remember, is this a run out? Saroj wants the strike. Yes, Rupesh has to give away his wicket because Saroj feels at this moment that his strike is very important, as Rupesh was struggling, and now it is an opportunity for a new batter to come in. I request Amir Kunji, the director of South Goa Premier League. Amir Kunji, sir, please come on the stage for the toss of the next match between Al Zargham Royal Challengers and Sai Vignesh Sunrisers. Dot ball here, dot ball, and match is interesting. This is high and long. That's 6 runs. That's a poor delivery here from Vinod Wilson. He went for the slower ball, and it came as a full toss, and he just needed to give the direction. He has already got the muscles. Sai Vignesh Sunrisers and Mateen Khan, and along with Amir Kunji for the toss. Head is the call. Head it is. Sanju, kiti karpa chitla? Balling. Balling, sagay balling as gata ali. Yani, ata pohile di saak tu aashillo pohile. Kitna score baro dista? Score dista around 60-65. ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कोण तुमचे तुमकार तुमची पहिली मॅच आमच्या ऑस्ट्रेलियाचा प्रीतम बारी प्रथमेश मात्रे आणि धीरज सिंग चान्स ऑफ अ रन आउट एट द स्ट्राइकर्स एंड डायरेक्ट इट वॉज रिक्वायर्ड दिस इज अ व्हेरी व्हेरी क्लोज मॅच दॅट इज हॅपनिंग मीन वाईल आय वॉज विथ द टॉस एंड टॉस वन बाय साई विघ्नेश सनरायझर्स दे इलेक्टिंग टू फील्ड फर्स्ट सो विशिंग यू गुड लक संजू इन द फर्स्ट मॅच थँक्यू मतीन टॉस हल्लो पण पहिली मॅच तुम्ही जिंकले एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी पॉझिटिव्ह माइंडसेट झालो असा मतीन कसे दिसता एक्झॅक्टली फर्स्ट मॅच जिंकप एक कॉन्फिडंट वाढयता आणि आम्ही एक्सपिरियन्स मेळटा की ते पीच किती दिता आमकां ऑल्दो आय वॉन्टेड टू विन द टॉस अँड इलेक्टेड टू फील्ड बट इट्स ओके विनिंग अँड लुजिंग अ पार्ट ऑफ अ गेम वील गिव अप अ बेस्ट अँड लेट्स सी व्हॉट हॅपन्स एवरी टाइम टॉस जिंकतलो म्हणून ना सो सदांच रेडी असपाक जाय This is in the air. This might be a chance. Bunty doesn't drop any. Bunty doesn't drop any. He takes his chances, and Vinod Wilson strikes. Is Karan Ambala going back to the pavilion? Crucial wicket here for Dynamic Royals, the defending champions. Meanwhile, Mateen Jatarena, tujhe outstation players achile. Outstation players ani boro khel kelo. Ani to khel maka disla kiti tari amcha je youngsters je asat goiche.
तंका सीख दिवपा सारको खेळ आशिल्लो की कशे तरेन तुम्ही बरे जेन्ना बॉलर असा तेन्ना माझे थंड रावपाक जाय आणि जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्नाच स्कोर करपाचो. एक्झॅक्टली दे आर लर्निंग फ्रॉम द आउटस्टेशन प्लेयर अँड दे आर गिविंग देअर बेस्ट 100 अँड दॅट्स अ पॉझिटिव्ह साइन लाईक द यंगस्टर हू आर गिविंग 100% ऑन द फील्ड. आणि एक विचारपाचे पर्सनल लेवलाचेर कारण तुझो सामको इश्ट आणि बरो फ्रेंड नरेश असोळडेकर द सुपरस्टार द लेजंड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट इन गोवा जर तुका म्हाका दिसता ड्रेसिंग रुमान खंय तरी चुकता मिस जाता तुका. ना ना ही इज ऑलवेज देअर ही इज देअर एज अ कोच इन द सेम डिपार्टमेंट सो आय डोंट थिंक सो लाईक ही इज मिसिंग समवेअर ही इज देअर ऑलवेज देअर इन द टीम विथ अस. सो गुड लक टू यू मतीन फॉर द नेक्स्ट मॅच. 8 गेंदों में 12 रन मैच को जीतने के लिए. This is once again in the air and it's taken. Look at the reaction from Bunty Patel. He's all pumped up and Vinod Wilson has changed the complexion of the match. The batters are not producing the kind of the shot that is required and still the match is alive. He plays in the Legends tournament held last year and it was seen on television. So 3 to 4 players from Goa were participating and one of them is performing here as a SCPL. Vinod Wilson is still performing and giving his team a chance here. That's nicely played. Misfield here might be getting a couple, might be thinking of a couple as Saroj Pramanik might get the strike of the next over. So 2 runs to finish this over number 5 and is 48 for the loss of 4. 6 ball, 10 runs is the equation. Ten of six. If you feel in tennis ball cricket, 10 of six is very easy for the batting side. Yes, the batters are there. Navdeep Gaukar is a very, very good cricketer. And he's got a talent. And he can clear the field with ease. You can see the depth of the batting order of KKG Knight Riders. Sahil Wangankar, the captain, departs of a golden duck for Karan Ambala. But still, Navdeep is there. And 10 runs. Important is the wicket of this man who is on strike. This man, if taken out in the next 2 balls, can certainly lift the spirit and can change the match entirely on his head. That's why they want to get the fielding positions absolutely bang on here for Saroj Pramanik. Oh, we have to wait for the signal here. And immediately a no ball has been signaled. And if you have a look at the reaction from him, Saroj Pramanik, he knew that this was a 6 sitting ball. 6 was written all over it, or maybe at least a boundary. And he's feeling, how did it miss? And it's Viresh. Viresh AGM has to do the hard job, but he can certainly do a good job for his team. 9 runs required of 6. That's in the air, but they might be thinking of a couple. It's a free hit ball.
So by the time ball comes down, the two runs easily taken here by Saroj and Navdeep. Maybe I had a discussion in one of the groups and the question was, what are the things that you want to change in the as a law in the game of cricket? Maybe this is the rule that I feel personally, if at all it's a free hit and the batsman gets out or is been caught, run should not be given to the batter. That's my personal opinion. Finally, the lawmakers are there to make the laws. That's good piece of bowling. Very fine. He saw the batsman going for the switch hit. Went for the switch hit and he fired him on the leg side. Still the match is alive. Seven needed of four. Can Viresh be the hero? He's already two of his fellow players from Kurcharam, from Sheldon Blasters. Alvino had one match for his team and won the player of the match award along with Somesh Dodamani last night. This time, no! Six runs. Viresh is going to be difficult because it is Saroj Pramanik and he's becoming a Pramanik to the bowler. Ram is dancing here. Rama. Here comes one run required. Chance of a run out, but I think he will comfortably make it through. And a single taken, and that will be it. Victory here for KKG Knight Riders. That was a close match, very, very close match between both the teams, between the defending champions and the runners-up of the previous edition, fighting it out for the victory. And Saroj Pramanik's innings has done the job. Most of the batters played a decent knock. Jagat Sarkar also played a handy start. Rupesh, although with 1-6, was struggling. But then it were quick wickets taken by Vinod Wilson. And finally, it came to the last over where 10 runs were required. But Saroj hits 1-6 and then settles it for his team. So KKG Knight Riders with a victory for them.